कहते हैं कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था एकदम पूरी टाइट है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन एकदम ढीली थी। इसमें सरासर प्रशासन की गलती है। जो 6 लोग का हत्या हुआ है इसमें प्रशासन की है। और मैं बताना चाहता हूँ माननीय महाराज जी के सरकार में घुसखोरी एकदम चरम सीमा पे चल रही है। अधिकारी दवा के पैसे कमाते हैं, जहाँ 10 हत्या हो जाए जहाँ 20 हत्या हो जाए उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। अधिकारी अपना चैन से नींद सो रहे हैं और यहाँ पर हत्याएं होते जा रही हैं। जनता यहाँ पर बेवकूफ बना है और इस सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ढीली है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यादव परिवार में वो बेटियां नहीं हैं? क्या उन्हें सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। सरासर ये लोकसभा का चुनाव आने वाला, सरासर वो लोग ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। मैं पूजनीय महाराज जी से यही निवेदन करूंगा, आप लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तब यादव परिवार के बेटियों को भी सरकारी नौकरी दिया जाए। और जो जज बैठाएं आप, उस जज को देखिए, अगर वो अवैध कब्जे में जमीन है तो आप, मैं निवेदन करता हूँ कि उस पर बिल्डोजर चलवाइए। लेकिन आप सारा से सारा उस पर नापी का काम करिए। लेकिन देखिए कानून के तहत नपी इस समय नहीं हो सकती, क्योंकि फसलें बड़ी हुई हैं, इसलिए नपी नहीं हो रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ढील है। माननीय योगी जी कहते देखिए यहाँ पर जातिवाद सरासर कर रहे हैं। देखिए सलम मणि त्रिपाठी सरासर जातिवाद कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों पक्ष से बात करने चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ से सरासर जातिवाद हो रहा है। भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है सपा सरकार पे। जो देखिए आज अखिलेश यादव जी ने आए, कई गाड़ियां कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, जो विधायक सांसद पदाधिकारी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाजपा के विधायक या सांसद हैं जो प्रशासन देखते ही गाड़ी खुल जाता है कार्यकर्ता का। अगर स्कॉर्पियो पे झंडा भाजपा का दिखाई दे रहा है, कार्यकर्ता है, उसकी गाड़ी अंदर एंट्री हो जा रही है और देवे जो दुबे परिवार से है उसे मिलने दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक को नहीं मिलने दिया जा रहा है। सरासर इसमें पता चल रहा है भाजपा तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। देखिए मैं बताना चाहता हूँ न्याय नियम के तहत, जो नियम है संविधान का नियम है, उसके नियम के तहत खड़ी फसल जब होती है, जब तक खेत खाली नहीं हो जाता है तब तक नापी की कोई अरमान नहीं है। यह संविधान का नियम है। दूसरी बात रह गई सवाल कि जो एक परिवार के, जो मान लीजिए प्रेमचंद यादव के परिवार हैं, अगर देखा जाए तो उन लोग को भी कुछ न्याय मिलना चाहिए। आज तक प्रेम यादव की जो हत्या हुई, आज तक उन लोगों के बारे में हत्यारों का पता ही नहीं चला कि कैसे प्रेम यादव की हत्या हुई। ना उनके जो भी मतलब ये है का मतलब जो भी प्रशासन के लोग हैं तो उनको चूंकि नहीं करना चाहिए। दोनों लोग नवागत मिश्रा को आरोपी बनाया गया है पहले वाले में, जिसमें 5 लोगों की हत्या हुई। कई लोग ये कह रहे हैं कि नवागत मिश्रा आरोपी नहीं हो सकते। कौन नवागत मिश्रा? उनके जो राइट हैंडर, हाँ, अब जो भी हो, जो भी प्रशासन की मंशा है, प्रशासन सही जो है प्रशासन द्वारा सही चुन किया जाएगा, उसमें कोई यह नहीं है। जो मुलजिम बनेगा प्रशासन उसकी जाँच करेगी। सही लोग, हम लोग चाहेंगे कि जो सही है वही सही लोग जो है इसमें जेल जाए, जो अनर्गल है उन लोगों को जैसे मतलब भाजपा सरकार थे। आप तमाम जनता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से तमाम पार्टियों की बात की जाए, तमाम राजनीतिक आकलन लगाए जा रहे हैं कि कहीं ये 2024 के चुनाव की बात नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष को साधना एक साथ, क्योंकि तमाम बीजेपी के नेता समाजवादी लोग दोनों पक्ष के हैं। कभी भी समाजवादी का मतलब है कि हम लोग जो भी परिवार के जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए हैं हमारे देवरिया फतेहपुर में, वे दोनों परिवार के से मिलेंगे, दोनों परिवार के घर जाके उनका शोक संवेदना श्रद्धांजलि देंगे। जो भी समाजवादी के कार्यकर्ता लोग हैं वे लोग सभी लोग मिलके यह जो है दोनों परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये कर रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए, गलत ना हो, जो सही हो सही के दाब। हम भी चाहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रमादल श्री मुख्य योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन है कि वो भी जो है सही न्याय जांच कराया जाए, जो सही गलत पाया जाए तो गलत के लिए सजा दंडीय अपराध किया जाए, जो गलत है तो उसको गलत बाहर किया जाए। ये तमाम सी बातें आपने देखी। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं, हमारी दस्तक ऐसे चलती रहेगी, अलग अलग क्षेत्रों की खबरें हम दिखाते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देवरिया नरसंहार हुआ वो वाकई में तमाम सवाल खड़े करता है। ये सवाल ऐसे ही खड़े होते रहेंगे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? जैसे इन लोगों की बातें रहीं, अगर आप इससे समर्थक हैं या कहा जाए आप इसके बारे में कुछ अलग सोचते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं, कैमरे के पीछे पवन हैं और लगातार हम अपनी आवाज़ ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे हर जगह हर वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद।